इंस्टाग्राम पे किसको ब्लू टिक नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए, सभी को चाहिए, ऐसा है ऑलमोस्ट सभी को चाहिए इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक। लेकिन मैं आपको ब्लू टिक का फंडा बता दूं, मतलब ब्लू टिक चाहिए क्यों, ये एक वेरिफिकेशन बैज रहता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, जो भी वेरीफाइड मतलब जो कि पॉपुलर इंसान है इंस्टाग्राम पे, मतलब पॉपुलर पीपल जो भी रहते हैं, उनको वेरिफिकेशन बैज मिलता है। इसलिए मिलता है कि रियल आईडी उसी बंदे की है। मतलब मैं आपको सिंपल फैक्ट में समझा दूं, आप सभी को पता होगा जो कि सेलिब्रिटी रहते हैं उन सबके कितने फेक अकाउंट्स बन जाते, फेक पेजेस बन जाते, तो उनमें गैस करना मुश्किल रहता है कि रियल कौन सा है और फेक कौन सा। तो इसलिए एक वेरिफिकेशन बैच दे देता है इंस्टाग्राम इसके चक्कर में, ताकि आप रियल इंसान को पहचान पाए कि ये रियल बंदा है। तो ये है वेरिफिकेशन बैच का फंडा। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ कि ये मिलता कैसे है। तो मैं आपको पहला फंडा तो बता दूँ, मिलता इस चक्कर में मतलब जैसे आप बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हो, तो आपके ऊपर इंस्टाग्राम मतलब आपका इंस्टाग्राम एकदम से बूस्ट हो रहा है, या आप कुछ भी एंटरटेनर हो तो एकदम से आप इंस्टाग्राम भी देखता है, मैनुअली देखता है ना, उसका एक बंदा आपके प्रोफाइल आके देखता है कि हाँ फॉलोअर्स रियल है, लाइक्स रियल है, हैशटैग्स लग रहे हैं इस बंदे के, तो इसको इसलिए वेरिफिकेशन दे देते हैं। सब प्रिया प्रकाश का देखिए, वो एक दिन में वेरीफाइड हो गई थी। इसलिए हुई थी वेरीफाइड क्योंकि उसका एक दिन में इंस्टाग्राम इतना भयंकर बूस्ट हुआ था कि उसका वेरिफिकेशन बैच उसके पास आ गया था। अब जैसा कि हम माने, प्रिया प्रकाश का जो लड़का था हर्षद, क्या नाम था उस लड़के का, वो भी लड़का कुछ एक हफ्ते में वेरीफाइड हो गया था क्योंकि कहाँ उसके फॉलोअर्स थे 40 के और वो 1 मिलियन पे पहुंच गया था एक हफ्ते के अंदर, तो इसलिए वो भी वेरिफिकेशन बैच आ गया था। लेकिन आज के टाइम में म्यूजिकली स्टार्स के पास वेरिफिकेशन बैच नहीं आ रहा है, लेकिन उनके पास भी जल्दी आ जाएगा क्योंकि उनका इंस्टाग्राम भी सबका ही बूस्ट हो रहा है धीरे धीरे। और मैं आपको दूसरी चीज़ बता दूँ, इंस्टाग्राम ऐसे भी दे देता है कि जो पहले से पॉपुलर रहते हैं वो नई आइडिया बनाते हैं अपनी। ऐसे इंस्टाग्राम पर भी कितने सेलिब्रिटीज अभी इंस्टाग्राम पर है नहीं, लेकिन फिर भी उनको जैसे ही आते हैं इंस्टाग्राम पर उनको वेरिफिकेशन बैच वैसे ही मिल जाता है। और थर्ड ऑप्शन ये है कि थर्ड खुद इंस्टाग्राम ने उसकी सेटिंग में दे रखा है। मैं आपको जैसे बता देता हूँ उसकी सेटिंग में दे रखा है इंस्टाग्राम ने। सबसे पहले आपको जाना रहता है अपनी प्रोफाइल में, प्रोफाइल में जाएंगे इंस्टाग्राम खोलते ही तो आपको जो ये साइड में 3 लाइंस मिलती है, ऐसी 3 लाइंस है, इस पर क्लिक करके आपने अपने सेटिंग में जाना है। आप अपनी सेटिंग में गए तो यहाँ आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा रिक्वेस्ट वेरीफिकेशन का। बिजनेस अकाउंट और नॉर्मल अकाउंट सबके लिए सेम ही है। वैसे रिक्वेस्ट वेरीफिकेशन में गया तो अब ये प्रोसेस जैसे ही खुलेगी, मतलब ये पेज पे जैसे डायरेक्ट करेगा वो, तो आपका यूज़र नेम लिखा रहेगा, आपको फुल नेम लिखना पड़ेगा, नोन एज, मतलब आप क्यों जाने जाते हो, तो क्या टैलेंट है वो पूछ रहा है, मतलब तो पूरा उसको फिल कर देना। और सिलेक्ट योर कैटेगरी, मतलब आपकी कैटेगरी भी सिलेक्ट करना है आपको, कि आपकी कैटेगरी क्या, आप ब्लॉगर हो, मैं आपको बता दूँ कौन कौन सी कैटेगरी है। न्यूज़ मीडिया, स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, म्यूजिक, फैशन, एंटरटेनमेंट, ब्लॉगर, इन्फ्लुएंसर, बिजनेस, ब्रांड, मॉडल, ऑर्गेनाइजर, अदर, तो बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब यहाँ पे। तो अब इसको भी सिलेक्ट करके फिर आपको एक लास्ट वो है फिलअप, जो कि आपकी आइडेंटिटी। तो इसमें आइडेंटिटी आप क्या क्या फिल कर सकते हो, बर्थ डेट, मतलब आपका पासपोर्ट हो गया, जैसे आइडेंटिटी, पैन कार्ड, जो भी है, आधार कार्ड मेन चीज़, उसको फिल करके यहाँ रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो ये वेरिफिकेशन जैसे आपका, मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा नहीं क्योंकि मेरे इतना फॉलोअर्स हैं नहीं, मेरा इंस्टाग्राम बूस्ट हो रहा है अभी, अगर ज़्यादा होगा तो उस टाइम फिल करेंगे। तो आप इसे रिक्वेस्ट कर सकते हो ये वेरिफिकेशन के लिए। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, अगर आप रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन कर रहे हो तो इसका ऐसा नहीं कि आपको रिजल्ट आज के आज में आपको वेरीफाइड हो जाएगा, कभी कभी 4 से 5 हफ्ते, मतलब 1 महीने भी लग सकता है, और जल्दी से जल्दी 1 हफ्ते में हो जाएगा। तो मैंने पहले करा था लेकिन उसने बोल दिया था अभी आपका इतना बूस्ट नहीं हो रहा इंस्टाग्राम, मैंने कर चुका हूँ पहले से, तो इसलिए मैंने आपको सोचा एक वीडियो बना के बता दूँ उसके ऊपर रिक्वेस्ट वेरीफिकेशन। और ये काफ़ी अच्छा है, मतलब उसने आगे से आपको फीचर दे दिया रिक्वेस्ट वेरीफिकेशन का इंस्टाग्राम का। तो यही है। और एक और चीज़ बता दूँ, इंस्टाग्राम पर अगर आपको वेरीफिकेशन बैच चाहिए तो कभी कुछ फेक मत करना। जैसे बहुत सारे ऐप्स भी चल रहे हैं अभी फॉलोअर्स बढ़ाने के, मैं नाम तो लेना नहीं चाहूँगा, होता है ऐप्स के, फॉलोअर्स बढ़ा सकते हो, लाइक्स बढ़ा सकते हो, लेकिन उससे क्या, एल्गोरिथम इंस्टाग्राम के आपको पहले ही पकड़ लेते हैं कि फेक आज मारा, तो उससे आपकी आईडी भी बैन हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। और एक और चीज़ देखना, जो आप फेक अकाउंट चलाते हो, फेक लाइक्स तो लेते हो, लेकिन आपने कभी देखा दूसरे की फॉलोविंग में जाकर आप भी वो आपकी आईडी भी एक्सेस करके दूसरे के पोस्ट लाइक करता है, मतलब अनसर्न जो भी पोस्ट रहते हैं। तो यही था बस, थोड़ा इंस्टाग्राम पे भी सेफ रहो क्योंकि इंस्टाग्राम भी एक सोशल साइट है, वो भी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो यही था गाइज, आज की वीडियो में आपको यही बताना था कि इंस्टाग्राम पे कैसे वेरिफिकेशन बैच आएगा आपके पास। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर देना। और एक और चीज़ बता दो, मैं वीडियो पर बहुत कंसिस्टेंट नहीं हूँ आजकल, बहुत लेट वीडियो बना रहा हूँ, कुछ कॉलेज की दिक्कतें चल रही हैं। तो गाइज, वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।